मजा आ गया। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, और मैं हूं मेहताब खान फिर से आपके साथ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार किया, तो इसलिए हम नया वीडियो बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिर से है, हेलो दोस्तों, मैं आज वापस आ चुका हूँ, ये वापस हमारे साथ आज व्लॉग बनाएंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ है शमशेर खान, हेलो दोस्तों। हाँ, तो ये हमारे साथ व्लॉग में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है भाई आपको व्लॉग में जाते हुए? बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ पहले व्लॉग में आने के लिए। हाँ, तो चलिए हम आपको आज बीकानेर की और शेयर कराते हैं, काफ़ी मज़ा होगा, मस्ती होगी, मजाक होगी, और हम आपको ले चलते हैं बीकानेर के कुछ नई नई जगहों पर। तो चलिए लेट्स गो। अब हम आपको ऐसी गुफा दिखाने वाले हैं जिसके बारे में शहर के बहुत कम लोग जानते हैं। गुफा है, मैं बहुत सालों बाद आया हूँ यहाँ। अब तो लाइट वाइट लग गई है, बिल्कुल आगे जा रहे हैं दोस्तों, अब तो लाइट वाइट लग गई है यहाँ, और काफ़ी डर वर नहीं लग रहा है। लेकिन एक बार मैं इससे पहले भी यहाँ आया था, तो हमारा एक फ्रेंड था जो चाइल्डहुड में आए थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो बोला चलो गुफा के अंदर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर गए ना, तो वो धीरे धीरे वो आगे से बिल्कुल गायब होने लगा, वो बिल्कुल गायब होने लगा आगे से, क्योंकि अंधेरा बहुत था। अब तो देखो रोशनी वोशनी लगा दी है यहाँ, तो अब इतना वो नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था। गुफा दिखा दी है मैंने आपको, अब ले चलते हैं आपको बीकानेर के ब्रिज पर। रास्ता बंद है क्या? बंद है, बंद है। तो दोस्तों, हम बीकानेर के ब्रिज पर आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं पूरा ब्रिज है। हाँ, और ये देखो, अब मैं आपको ऐसा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, अब आप बिल्कुल आप पागल हो जाओ। और ये देखे टैंटरान, पानी ही पानी, बीकानेर का समंदर है ये। बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, आ तुझे फेंक दूं मैं, अरे नारे बाबा ना। जो 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वाओ, आई मीन वाओ, करीना भी यही कहती थी। अलग अलग प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे यहाँ। वो देख सामने, वो वहां क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, अगर उम्मीद पक्की हो ना, तो हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। ओ रियली? हिला के दिखाओ। दिखाओ। ओ माय गॉड, पूरा हिला डाला, पूरा बीकानेर हिला डाला, पूरा बीकानेर, ये भी हिल रहा है। जुगड़ूबी जुगड़ूबी परंपरा, जुगड़ूबी परंपरा, yeah? परंपरा। फिर से परंपरा की परंपरा। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल थोड़ा कम है, तो हमें सबसे पहले पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तो हम जाते हैं। और तू यहीं खड़ा रहे, कैमरा हाथ में ले लेती। मौसम देख, शानदार मौसम, एक नंबर है, मजा आएगा। ये कोटगेट है, और हम सीधा रामपुरी हवेली जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ी है क्योंकि रास्ता मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया है। दोस्तों रास्ता ही भूल गए रास्ता ही भूल गए रास्ता मिल जाएगा इस गली में है या इस गली में, ये मुझे नहीं पता, ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा। काफ़ी लेट हो गए हैं। अरे भाई साहब रामपुरी हवेली का है। तो दोस्तों रास्ते का थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसलिए हम इनसे पूछ रहे हैं, ये हमें रास्ता बताएंगे। ये निकल जाएगा क्या आगे सामने वाले गली? अच्छा, में राइट ले लो तो इधर जाना पड़ेगा। गजरार सिंह इनका नाम है, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हम बिल्कुल आगे हैं रामपुरिया हवेली के। यहाँ मैं आया था एक बार बहुत पहले अपने दोस्त के साथ, वो प्री वेडिंग का काम करता है, तो प्री वेडिंग की फ़ोटो वगैरह करता है तो उसका काम है, तब आया था। तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी रोक फोन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा व्लॉग यही खत्म होता है। काफी टाइम खराब हो गया क्योंकि शमशेर ने अपना मोबाइल गुम कर दिया था। असल में वो गुम नहीं हुआ था, उसके बैग के अंदर ही था, तो मोबाइल मिल गया। तो आप इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फुल सपोर्ट करें आपका, ताकि हम आने वाला व्लॉग और अच्छे तरीके से बना सके। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, सपोर्ट करते रहिए।